अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। ये देखिए, आज हमने ले लिया था 3 पाव कीमा, एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 से 3 हरे मिर्चे और भुना हुआ बेसन, 2 से 3 तेज़पत्ते धोकर ले लिया था, 3 से 4 इलायची हैं और 4 लौंग, जावित्री ले लिया था हमने, जावित्री ले लिया था और बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, एक जायफल, थोड़ा से टुकड़ा जायफल का, काली मिर्च और ये जीरा और ये कुटी हुई मिर्ची थी, हमारे पास साबुत खड़ी मिर्च नहीं थी, हमने कुटी ले ली, ये साबुत खड़ा धनिया। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे सारे। ये देखिए, अब नारियल डाला, 2 तेज़पत्ते, लौंग, इलायची, जावित्री, बादियान का फूल और इलायची, दालचीनी के टुकड़े, इन सब चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। मिर्ची नहीं डालेंगे ताकि कुटी मिर्ची है ना, बहुत मतलब खांसी आने लगी, खड़ी मिर्ची होती तो हम फ्राई कर लेते। ये देखिए मसाले भुन रहे हैं। ये देखिए, अब हमने गैस को बंद कर दिया था ताकि थोड़ी देर ठंडे हो जाए मसाले। ये देखिए मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब हमने निकाल लिया था। ये देखिए हमने मसालों को पीस लिया है। अब हमने कीमे में प्याज और वही पपीता और नमक लगा कर रख दिया था थोड़ा 2 घंटे के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये वाला पूरा मसाला खड़ा, अब जो हमने पीसा था खड़ा मसाला ये ऐड कर लिया हमने, और इसमें थोड़ा भुना बेसन, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। सीख कबाब में प्याज नहीं पड़ती, लेकिन हमने थोड़ी प्याज डाल दी थी, हमने ज़्यादा नहीं डाली थी, थोड़ी डाली थी। ये देखिए, अब हम इसमें पलट लेंगे, इसमें मिलाते नहीं बनता है, छोटा बर्तन है, हमने एक ट्रे में पलट लिया है। ये देखिए हमने थोड़ी सी प्याज डाली थी, थोड़ा नमक कम था हमने नमक डाल दिया था, और पिसी मिर्च डाली थी, हरी मिर्च 3 से 4 अदद और कुटी मिर्च। और ये देखिए, एक हमने लेमन ले लिया था, इसके दोनों टुकड़े हम निचोड़ लेंगे इसमें। देखिए हम बिया निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से लेमन बहुत अच्छा था, इसमें बहुत रस था। ये बिया चली गई, हम इसको हमने निकाल दिया है, एक बिया चली गई थी। देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये 5 से 10 मिनट हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये देखिए मिक्स हो चुका है, अब हम 1 टीस्पून लेंगे और टीस्पून की मदद से हम कबाब बनाएंगे।
हमारे पास तीली नहीं थी तो हमने टी स्पून ले लिया था। देखिए हम सारे बना लेंगे। ये देखिए सब बन चुके हैं। अब हमने तेल चढ़ा दिया था, तेल गर्म हो चुका। अब हम इसमें कबाब को फ्राई कर लेंगे, हम डीप फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, एक लेकिन उठाने में टूट गया था। प्याज जो हमने डाली थी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, कबाब में क्रंची बना रहा था थोड़ा। ये देखिए सीख कबाब बनकर तैयार है। हमारी रेसिपी को ट्राई करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।